हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर निशा वर्किंग एज पेरोडोंटिस्ट एट डॉक्टर सचिन मित्तल्स एडवांस्ड डेंटिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिकोरोनाइटिस के बारे में। पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है? पेरिकोरोनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे विजडम टूथ के ऊपर गम टिश्यू ने कवर किया होता है, यानी हमारी अक्ल दाढ़ के ऊपर मसूड़े का एक फ्लैप आ जाता है जो पेशेंट में डिसकम्फर्ट करता है। अब इसका क्या कारण है? जब जॉ साइज कम होने की वजह अक्ल जाड़ को प्रॉपरली निकलने के लिए स्पेस नहीं मिलती, तो वो आधी ही निकल पाती है, आधी अंदर रह जाती है। अब उसके ऊपर जो आसपास का टिश्यू है वो ग्रो कर जाता है, यानी दांत का जो क्राउन पोर्शन है उसके ऊपर कम टिश्यू आ जाता है। अब जब पेशेंट मुंह बंद करता है तो ओपोजिट टूथ है जो हमारा, वो फ्लैप को इंजर करता है बोलते वक्त, खाते वक्त, तो उसमें पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। अब इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? पेशेंट को पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और फ्लैप के नीचे खाना फंसने की वजह से सड़न भी पैदा हो जाती है, यानी कैविटी हो जाती है। कुछ केसेस में पस डिस्चार्ज भी होता है, वहाँ पॉकेट्स बन जाती हैं, और पेशेंट को माउथ ओपनिंग भी रिड्यूस हो जाता है, कुछ केसेस में फीवर भी आ जाता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? हमें अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, वो हमें क्लिनिकली भी एग्जामिन करेंगे और साथ में वो हमारा एक्सरे भी लेंगे ताकि हमें अक्ल दाढ़ की पोजीशन के बारे में पता चल सके। ये मोस्टली देखा जाता है 20 से 30 साल की उम्र के बीच में। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी कॉज डिपेंडेंट है। अगर तो अक्ल जाड़ प्रॉपरली इरप्ट हो चुकी है तो हम जस्ट उसके ऊपर जो गम टिश्यू है, जो फ्लैप है, उसको कट करके रिमूव कर देते हैं। ये एक माइनर सा प्रोसीजर है, कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसे ऑपरकलेक्टमी कहते हैं। बट अगर अक्ल दाढ़ की पोजीशन टेढ़ी है यानी टिल्टेड है, तो उस केस में हमें इससे टूथ रिमूवल यानी एक्सट्रैक्शन ही करनी पड़ती है। बट कुछ पेशेंट्स को लगता है कि अभी हमें सिम्टोमेटिक या ट्रीटमेंट, टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उस केसेस में हम एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और साथ ही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो ब्रश 2 times ब्रश करें और नमक वाले पानी के कुल्ले करें, और साथ ही उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो टाइमली से इवेलुएट करवाते रहें। आई होप आपको इस वीडियो में पेरिकोरोनाइटिस के बारे में पता चला। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।